गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कनु सती और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं बहुत ही अच्छी वीडियो। हां जी, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप लोग घर पे ही लिप बाम बना सकते हैं। तो लिप बाम बनाने के स्टेप मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपने लिप पे लगा के कि वो लिप बाम कैसा काम करता है, तो आप लोग भी देखिए। तो गाइस, इस कंटेनर में मैंने वो लिप बाम जो बनाया था वो रखा हुआ है और मैंने ये कुछ देर के लिए फ्रीजर में रखा था। आप लोग देख सकते हैं, जब मैंने इसे बनाया था तो ये लिक्विड टाइप का था और अभी आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जम गया है। तो इस लिप बाम को मैं अपने लिप पे लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके का ये वर्क करता है। तो लिप बाम लगाने के लिए गाइस, मैंने हुडा ब्यूटी का ये स्पॉन्सर लिया हुआ है, इसकी मदद से मैं अपने लिप पे इसे लगाऊंगी। आप लोग सोचेंगे कि शायद इस पे लिपस्टिक होगी, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये देखिए आप लोग, इस पे कोई भी लिपस्टिक नहीं है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है। तो मैं इसकी मदद से अपने होंठों पे इसे लगाऊंगी। तो गाइस देखिए आप लोग, देख सकते हैं लिप बाम बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप इस लिप बाम को यूज करते हैं और आप इस लिप बाम को लगा के कहीं बाहर जाते हैं तो 100% श्योर है कि लोग आपको यही पूछेंगे कि कौन से ब्रांड की आपने लिपस्टिक लगाई हुई है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन गाइज ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे मैंने इस लिप बाम को बनाया, स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी देखिए। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने लिप बाम बनाने के लिए एक चुकंदर लिया हुआ है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसके छिलके को हटा लूंगी और छिलका हटाने के बाद मैं इस चुकंदर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। तो अब गाइज मैं इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डाल दूंगी क्योंकि मुझे इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। और गाइज अब मैं यहाँ पे कोई कॉटन का कपड़ा लूंगी और उसके अंदर इस पेस्ट को डालकर अच्छे से प्रेस करके इसका जूस निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं अभी स्पून की मदद से कर रही हूँ, बट मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्पून की मदद से तो कर रही थी लेकिन नीचे वो जो सारा जूस आ रहा था वो इसी कपड़े में ऊपर आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अच्छे से दबा के इसका जूस निकाल लूं। तो मैंने यहाँ पे इसे दबा के इसका अच्छे से जूस निकाल लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसका जूस निकाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो गाइस छन्नी की मदद से भी इसका जूस निकाल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, इसका कितना ज्यादा जूस निकल चुका है। और अब मैं इसे एक बर्तन में डाल दूंगी और इसे गैस में रख दूंगी, मतलब कि मुझे इसे तब तक गैस में पकाना है जब तक कि जूस की क्वांटिटी आधी ना रह जाए, तब तक मुझे इसे पकाना होगा। हमें इसका एक थिक सा पेस्ट बनाना है, इसे आपको हिलाते रहना होगा वरना गाइस ये नीचे लग जाता है। तो मैं इसे तब तक हिलाऊंगी जब तक ये आधा ना हो जाए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पका लिया है और अब आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। गाइस अब इस लिप बाम को बनाने के लिए मैं इसमें सबसे पहले गुलाब जल का यूज कर रही हूँ। मैं इसमें 2-4 बूंद गुलाब जल की डाल दूंगी। उसके बाद गाइस मैं इसमें यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी मैं थोड़ा बहुत ही डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। आप लगा सकते हैं 1/2 चम्मच के लगभग मैं इसमें एलोवेरा जेल डालूंगी। उसके बाद गाइज मैं इसमें डालूंगी वैशलीन
तो वैसलीन में यहाँ पे आधा चम्मच डालूंगी, क्यों और अब मैं इसमें डालूंगी हनी यानी कि शहद मैं अब इसमें डालूंगी, तो शहद भी मैं यहाँ पे आधा चम्मच डालूंगी। गाइस अगर आप लोग चाहें तो शहद की जगहों पे ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लिसरीन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट मेरे पास ग्लिसरीन अवेलेबल नहीं था तो मैंने शहद का यूज़ किया। शहद भी ग्लिसरीन की ही तरह काम करता है, आप लोग चाहें तो शहद डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोगों के पास ग्लिसरीन है तो आप लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे गाइस मुझे थोड़ी बहुत जो मैंने इसमें वैसलीन डाली थी उसे मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ही वैसलीन थिक होती है तो उसे मैश करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसे मिक्स करने में हमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और अब आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर लिया हुआ है, उस कंटेनर के अंदर मैं इस सारे पेस्ट को डाल दूंगी और आप लोग देख सकते हैं अभी ये पेस्ट बहुत ही ज्यादा लिक्विड टाइप में है, लेकिन मुझे ये कुछ देर के लिए फ्रीजर में रखना होगा ताकि ये अच्छे से जम जाए और सब पेस्ट बन जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा होममेड लिप बाम बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो गाइस देखा ना आप लोगों ने कितनी सिंपल सी तरीके से आप लोग इस लिप बाम को बना सकते हैं। आई नो गाइज आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी ये वीडियो। गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये लिप बाम मैं आजकल अपने विंटर सीजन में डेली यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस लिप बाम को लगाने से हमारे जो फटे हुए होंठ होते हैं आप लोगों को पता होगा ही आजकल विंटर में काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिप ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो ऐसे में आप लोग इस होममेड लिप बाम को अपने लिप पे लगा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका कलर आया हुआ है। अगर आप लोग लाइनर लगाते हैं, लिप लाइनर लगाते हैं, तो आप लोग इस लिप बाम को लगाने के बाद अपने होंठों के नीचे लिप लाइनर भी लगा सकते हैं, काफी ज्यादा प्यारा लगेगा। तो गाइज हम इसे एक ही बार में अपने लिप पे लगा सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। मैं इसे थोड़ा सा अगर लेती हूँ, ये देखिए आप लोग, थोड़ा सा अगर मैंने इसे लिया है और मैं आपको, वैसे भी आप देख सकते हैं मेरे पूरे हाथों पे कलर लग चुका है क्योंकि मैंने फ्रीजर से निकाला था, तो इसका जो थोड़ा पानी था वो हाथ पे लग गया। तो आप लोग देखिए अगर मैं इसका थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है, ये अगर मैं लगाती हूँ तो गाइस देखिए इसका एक ही बार में कलर आप लोग देख सकते हैं। जस्ट आधे घंटे एक घंटे पहले इसे बनाया था तो अभी ये अच्छे से फ्रीजर में जमा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा लिक्विड हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसे एक दिन पहले बना देते हैं और इसे फ्रीजर में रख देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा तरीके से जम जाएगा और इस तरीके से ये लिक्विड टाइप का नहीं होगा। तो आप लोग इसका कलर एक ही बार में देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग आजकल इसे लगाते हैं अपने लिप पे तो गाइस यकीन मानिए आप लोगों के होंठ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग विंटर में ही इसे अपने होंठों पर लगाए, हम लोग चाहें तो समर में भी इसे अपने लिप पर लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया लिप बाम, बिल्कुल भी हमारे होंठों को हार्म नहीं पहुंचाता है और बहुत लोग देख सकते हैं नेचुरली कलर ही हमारे होंठों को देता है। अगर हम लिपस्टिक भी ना लगाएं तो बहुत अच्छा कलर ये हमारे होंठों पर छोड़ देता है, जिससे ये लगता है कि हमने बहुत ही अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक लगाई है। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, वीडियो को शेयर करके जरूर जाना, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइज मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।